सारे बच्चे आ गए और अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अपन लास्ट में भी पढ़े थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोला जाए, या फिर केवल मैक्सिमा या मिनिमा बोला जाए। इन बोथ दी सिचुएशन वी कैलकुलेट दी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। और इसके लिए आपने नेसेसरी कंडीशंस पढ़ी कि आप ये जानते हो कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एट पॉइंट ऑफ मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का जीरो आता है हमेशा। और सफिशियंट कंडीशन ये थी किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने के लिए उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। और मैंने आपको बोला था कि अपन क्वेश्चंस को मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मेथड से भी कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से भी हो जाता है। और जो क्वेश्चन है वो कई बार जब फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, तीन बार चार बार डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पे वी चेक दी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे एक्स क्यूब फंक्शन के लिए आप देखते हो कि एक्स क्यूब फंक्शन यदि आप जीरो पर देखें एक्स क्यूब फंक्शन को, तो एक्स बराबर जीरो इस फंक्शन के लिए ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। और उसका रीजन ये है कि यदि आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो 3x स्क्वायर, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 6x, और इसी फंक्शन का जो थर्ड डेरिवेटिव आता है वो आता है 6। तो ये आपने पढ़ा है यदि किसी फंक्शन का हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, यदि 3 पावर का फंक्शन है तो उसका 3 बार तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तीसरा डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट हो जाएगा एंड फिर 4 और मोर देन फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो जीरो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फंक्शन को आप मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। और अब यदि आप इन सभी का वैल्यू एक्स बराबर जीरो पर चेक करें, चूंकि हमको जीरो पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है, तो दिस इज अवर एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड व्हेन वी पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो हियर, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश जीरो का वैल्यू जीरो आता है और सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो पे जीरो हो जाता है। और अब यदि आप इसका थर्ड डेरिवेटिव जीरो पे निकालते हो तो वो नॉन जीरो आता है। तो इस केस में जब ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा, ऐसे केस में फंक्शन का किसी भी फंक्शन का जब उसका ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का हो, पांच ऑर्डर का हो, सात का हो, 3, 5, 7, 9 ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नॉन जीरो आता है और उसके पहले के सारे डेरिवेटिव जीरो आते हैं, तो वो पॉइंट नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ना तो आप वो मैक्सिमा बनाएगा ना वो मिनिमा बनाएगा। ग्राफ में भी आप देख सकते हो ये x बराबर जीरो इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही नहीं बनता है। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आपने डिस्कस किया था। और इसी के साथ इफ वी टेक अवर फंक्शन x पावर 4, यदि मैं x पावर 4 फंक्शन लेता हूँ, y बराबर एफ एक्स बराबर x पावर 4 की मैं बात करूं, तो x बराबर 4 फंक्शन का ग्राफ वैसे ही आता है जैसे x बराबर 2 का आता है, मतलब एक्स स्क्वायर का आता है, y बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यू शेप, ओपन अपवर्ड पैराबोला। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू या f ऑफ x इक्वल्स टू x पावर 4। अब आप देख रहे हो इस केस में x बराबर 0 है वो जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आपने जो मिनिमा की कंडीशन यहाँ पर आपने पढ़ी थी, यदि आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 पर उसका वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ये 4x क्यूब आएगा। द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 12x स्क्वायर। द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 24x एंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जैसा कि आपको अभी बोला
कांस्टेंट आ जाएगा, उसके बाद पांचवा और पांच के आगे आप कोई भी डेरिवेटिव निकालेंगे वो जीरो होते चले जाएंगे। तो अब आप यदि इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू जीरो पर निकालते हो तो देयरफॉर ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि इस सिचुएशन में फंक्शन का जीरो पर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, जीरो पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारे के सारे आपके जीरो आते हैं। बट फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है और नॉन जीरो होने के साथ साथ ये पॉजिटिव आता है, और इसलिए पॉजिटिव आया तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। यदि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता, और यदि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाता फिर आप फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मान लो निकालते और फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आता तब इसका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के एग्जिस्टेंस के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आपका जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो ऑड नहीं होना चाहिए, ऑड पे नॉन जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे ये ऑड डेरिवेटिव था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये नॉन जीरो आया तो इसका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पांचवा डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आपका इवन ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है, जैसे यहाँ पे फोर्थ आया, सिक्स्थ आया या फिर एट्थ आया, तो फिर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में करते हैं। वहां पे भी आप देखते थे मिनिमा के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए और मैक्सिमा के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो आप वो सेकेंड से याद रख सकते हो, टू इवन है तो टू पर, फोर पर, सिक्स पर मिनिमा मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन वन पर, थ्री पर, फाइव पर, सेवन पर, नाइन पर, ऑड पे आपको कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलेगा। क्या मिलता है वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट क्या होते हैं। फिलहाल ये हमारी थ्योरी थी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने की नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। एंड नाउ हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। आप में किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ये दोनों बातों का आप एक स्क्रीन शॉट ले लें पहले और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट सिचुएशन और ये हमारी सेकेंड सिचुएशन है। इन दोनों का ग्राफ वो स्क्रीन शॉट ले लो, पट्टे से लो कर लिया। कोई डाउट है तो पूछ लो सर। अगर किसी का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो तो उसके जो ऑर्डर ऑफ फंक्शन है उसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव उत्तर करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, उतनी बात नहीं करना पड़ता है। ये सब आपको आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मैक्सिमा मिनिमा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही निकाल दूंगा, वो भी मेथड में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, तो आपको टेक्स्ट बुक मतलब सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको केवल पहले ऑर्डर डेरिवेटिव से एक बार डिफरेंशिएट करके ही मैं मैक्सिमा मिनिमा निकाल दूंगा यहाँ पर। लेकिन जब बोर्ड में आप करने जाओगे तो आपको कम से कम दो मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही उसको करना है। शायद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपको तब यूज करने हैं जब आपका सेकेंड ऑर्डर जीरो हो जाए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब जीरो होगा तभी आप हायर ऑर्डर पे जाएंगे, अदरवाइज हर क्वेश्चन में हायर ऑर्डर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को तब जाएंगे जब अपन, जैसे इस सिचुएशन में आप देख रहे थे पहला भी जीरो हो गया, दूसरा भी जीरो हो गया, इसलिए मेरे को तीसरे तक करना पड़ा इस सिचुएशन में भी। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, जिसमें भी ये सेकेंड ऑर्डर जीरो हो जाएगा तब आप उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके उसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। योजित समझ गया? हाँ सर। ओके, मूविंग ऑन टू द सम, फर्स्ट सम ऑफ टुडेज क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी करें। आप ट्राई करिए, मैं दो मिनट का समय दूंगा, फिर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोनों मेथड से पहले ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों मेथड से मैं ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। या ऐसा करते हैं, पहला क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ, आगे के फिर सारे क्वेश्चन आप करेंगे। एक समझ लीजिए क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है,
what are the local minimum and maximum values of the function? मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन आपको दिया है x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10, ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन का आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो मैं आपको उसको सॉल्व करके बता, एक आप देख लो और फिर वैसे ही आप करना सॉल्व। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, तो पहले तो जो अपनी यूजुअल मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड है, जिसको आपको बोर्ड में करना है, वो मैं बता देता हूं कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट जैसे ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, सीधा उठा के इसका पहला डेरिवेटिव आप लिखिए। हर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना ही है 15x स्क्वायर, और यहां पर साथ में इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लें। यदि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कर रहे हैं उसको, तो मैं सेकेंड ऑर्डर भी निकाल ले रहा हूं यहां पर। तो ये 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x हो जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर भी निकाल के रख दीजिए। अब फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपने पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो सिंस यू नो दैट फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑब्लिक मिनिमा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। तो जब आप इसको जीरो से इक्वेट करके फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज इसको जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करना है, तो इसमें 5x स्क्वायर कॉमन आ जाता है, अंदर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बचेगा। और जब आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो x की तीन वैल्यूज ये देता है, 0, 1 और 3। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 और 3 आएंगे और ये रूट देता है। तो वी हैव 3 पॉइंट्स। अब आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या तो 0 होगा या 1 होगा या 3 होगा। तो जो अपन ने पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अपन वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहां पर जब सेकेंड ऑर्डर में जब 0 पर आप वैल्यू निकालेंगे, तो चूंकि ये सारे 0 0 0 हो जाते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 पे 0 आता है। तो इसलिए देयरफॉर हियर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 1। जब आप 1 पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की जगह पर 1 डालेंगे, तो ये 20 प्लस 30 माइनस 60, 50 माइनस 60 आता है, विच इज माइनस 10, विच इज नेगेटिव। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इक्वल्स टू 1 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। इस तरीके से हियर वी गेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट किया, तो 3 पॉइंट्स मिले, 0, 1, 3। अब 0, 1, 3 में ही कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कोई पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा,
तो यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया कि 1 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ये हटा दे रहा हूं, और सिमिलरली पैरेलली जब अपन आगे जाएंगे तो एफ डबल डैश 3 कैलकुलेट करें, फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 3 पर आप कैलकुलेट करोगे, तो x की जगह पर 3 डालोगे तो ये 540 बनता है, ये 90 बनता है, विच इज 630, और 630 माइनस 360 तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, आप देख लीजिएगा। तो एफ डबल डैश 3 पॉजिटिव आता है, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन ने निकाल के मिनिमा और मैक्सिमा पता कर लिया, बट आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा नहीं चाहिए था। यदि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो देयरफॉर फंक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू 1 पर आएंगी, तो एक्स की जगह 1 डाल दो यहां पर, तो 1 प्लस 5 6, माइनस 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 9 आता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस 9 आएगी। एंड एफ मिनिमम 3, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको 3 पर मिलेगी, तो x की जगह पर 3 डाल दीजिए, तो मिनिमम वैल्यू मैं देख के बता देता हूँ माइनस 37 आता, कैलकुलेट करके आप देख लेना। तो दिस इज अवर सॉल्यूशन एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस 9 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज माइनस 37। तो दो चीजें हैं क्वेश्चन में, आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बोला है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोला है। पॉइंट बोला है तो पॉइंट फाइंड करिएगा, मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि ऑप्शन आपके डिजिट्स में ही रहेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी डिजिट आती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भी डिजिट आता है, ठीक है। सो वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट पूछा है कि वैल्यू पूछी है। तो चूंकि यहाँ पर अपन को वैल्यू पूछा था, इसलिए आंसर अपना माइनस 9 और माइनस 37 है, ठीक है। दिस इज अवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इतना पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम में आपने करना है। अब मैं यही क्वेश्चन को आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, वही बता रहा हूँ, वही शॉर्टकट होता है इसका। हाँ बोलो सर, ये इसकी रेंज है क्या फिर, ये जो फंक्शन की जो वैल्यू आई वो उसकी रेंज है क्या? नहीं, आपको पहले बोला है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आर नॉट द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लीस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। ये तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आई, ठीक है, तो इसको रेंज नहीं बोल सकते। जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और सबसे छोटी वैल्यू आएगी, वहां से वहां तक को अपन बोलेंगे रेंज, तो ये रेंज नहीं होता। एनी अदर डाउट रिलेटेड टू दिस, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फट से फोटो खींचिए, और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन, द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर वी डिस्कस अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दूसरी मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चले, हो गया डन? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। अरे कैसा हाँ, सर, कर रहे हो? हाँ चलो ठीक। तो देखिए, अभी अपन इसका सेकंड सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो भाइयों और उनकी बहनों, मैं ये क्वेश्चन को फिर से एक बार कॉपी मार रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन का अपन सेकंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। फंक्शन हमारे पास है, x का पावर है 5, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसके बाद 5x पावर 4 है, प्लस का 5x क्यूब है, और फिर माइनस का 10 है। दिस इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 5, 4, 3, 1, -5, 5, करेक्ट। चलिए, तो देखिए, अब ये अपन ने यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व किया,
बट इसी सेम क्वेश्चन को अपन एक डिफरेंशिएशन से, जिसको शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कम स्टेप कुछ भी, मतलब इससे कम स्टेप कुछ भी नहीं होंगे, ये सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में सॉल्व होगा, इसके बाद कोई और शॉर्टकट नहीं है, यही सबसे छोटा शॉर्ट एंड स्वीट बनेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब होता ही है कि एक ही बार डिफरेंशिएशन से मैक्सिमा मिनिमा पता करना है, तो आपको एक बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है। तो सॉल्यूशन के लिए, हियर वी डिफरेंशिएट अवर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला डेरिवेटिव अपन ने निकाल दिया फंक्शन का, जो कि आता है, हटाई दिया अपन ने, लिख लेते हैं, 5x पावर 4 माइनस 20x³ प्लस का 15x² ठीक है। अब दूसरी बार मैं डिफरेंशिएट नहीं किया और ना ही इसको मैं जीरो से इक्वेट किया, मैं उठा के सीधा आपका 5x² इधर से कॉमन मारा हूं, तो 5x² जब अपन कॉमन लेंगे तो x² माइनस का 4x प्लस का 3 आएगा, और इसको अपन जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x² x माइनस 1 और x माइनस 3, एटलीस्ट यहां तक अपन ने जाना, मतलब आपने ये मेथड आपकी एप्लीकेबल तब है, ध्यान रखें, ध्यान से सुनिए, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जब आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इस तरीके से कंपोनेंट के फॉर्म में, फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, मतलब f-x को आपको ऐसे फैक्टर्स में बनाना है, लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है। एक बार आपने ऐसे लीनियर फैक्टर बना लिए, अब आप इसको देख के बता दोगे कि इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा क्या होगा, ये चीज अपन ने कई बार पढ़ी हुई है, ठीक है, जो साइन स्कीम आप बोलते हो ना, वो साइन स्कीम लगाने वाला हूं मैं यहाँ पर। तो ये देखिए, अब जो साइन स्कीम में अपन करते थे, हियर वी ड्रॉ लाइन, तीन रूट्स हैं इसके, 0, 1, 3, तीनों को प्लॉट कर दीजिए, दिस इज अवर 0, ये 1 और ये 3 है, और उसके बाद साइन जब आप लगाओगे यहां पर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव ही आता है, आप करके देखिएगा, खत्म हो गया। तो अब आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है, एक बार डिफरेंशिएट करिए, और यदि आपके डेरिवेटिव का साइन उस पॉइंट पर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो, तो वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। आप देखो यहां पर, यदि ग्राफ प्लॉट करोगे आप इसका, ऐसा बना देता है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दिस इज अवर 1, तो एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो ग्राफ का साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, ठीक है। आपने जो देखना है ये डायरेक्शन में देखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, जैसे नंबर लाइन जाती है वैसे देखना, उल्टा मत देखना, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ये भी चेंज हो रहा है, ये डायरेक्शन में देखेंगे। तो यदि किसी पॉइंट से गुजरते वक्त, जैसे 1 से गुजरते वक्त जो डेरिवेटिव का साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो जो 1 है वो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, दिस इज लोकल मैक्सिमा। और यदि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा होगा। और इफ देयर इज नो चेंज इन साइन, यदि साइन में कोई चेंज नहीं होता, साइन में कोई चेंज नहीं होता का मतलब है पॉजिटिव से पॉजिटिव चेंज हो या फिर नेगेटिव से नेगेटिव चेंज हो, ये देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव चेंज, देयर इज नो चेंज इन साइन, तो दिस पॉइंट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, बस
हमने कहीं भी देखिए दो बार डिफरेंशिएट नहीं किया, केवल एक बार डेरिवेटिव करके मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा बता दिया। ऐसा क्यों होता है वो आप देख लो। देखो सिचुएशन ये है कि मैं यदि यहाँ पर बात करूँ ना किसी ग्राफ की, मैक्सिमा में आपने डेफिनेशन यही बनाया कि सबसे पहले जब हमने मैक्सिमा मिनिमा शुरू किया था तो मैंने यही डायग्राम आपको बनाया था, और ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है ये अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लोकल मैक्सिमा की जो डेफिनेशन है उसको ये पॉइंट एक्स बराबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि आप देखोगे एक्स बराबर ए पर एफ ए की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन अब अपन इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करें। तो आपने ये समझा यहाँ पर कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है वो जीरो आता है, मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, तो एफ डैश ए तो जीरो आएगा ये पॉइंट पर। अब ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पर, यहां पर कहीं पर भी जब आप किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाएंगे तो आप देखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इस तरीके से बनेगा। तो मैं यहाँ पर एफ डैश ए की जगह पर आपको और सरल भाषा में लिख दिया कि डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जीरो होगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कहीं पर भी आप जब टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट लाइन हमेशा ऐसे बनने वाली है, और ऐसे बनने का जो मतलब है एंगल जो है वो एक्यूट बनेगा 90 डिग्री से कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए उसका जो टेंजेंट है टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव मतलब डी वाई बाय डी एक्स आपका क्या होगा पॉजिटिव। तो ये पॉइंट पे डी वाई बाय डी एक्स आपका पॉजिटिव होता है, और इसके राइट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पर जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगी, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर जो डी वाई बाय डी एक्स है वो डी वाई बाय डी एक्स टच करता हुआ बना रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो डी वाई बाय डी एक्स जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, इसलिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट पे मैक्सिमा पे तो डी वाई डी एक्स जीरो होगा, और इस पॉइंट और ये पॉइंट हम मैक्सिमा है या अपन सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़े, तो ये पॉइंट से गुजरते वक्त आप देखो डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। यदि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। एंड सिमिलर कंसेप्ट है कि जब अपन ग्राफ को ऐसा बनाएंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि डी वाई बाई डी एक्स की बात करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे भी आप टेंजेंट बनाओ तो वो टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा, और यहां पर कहीं भी आप टेंजेंट बनाओगे तो डी वाई अरे टेंजेंट ही नहीं बन रहे टेंजेंट लाइन बनाओ तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। तो इसलिए बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्शन यहां से यहां रखनी, ऐसे उल्टी नहीं आना, यहां से यहां जाओगे तो यहां से यहां जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा डी वाई डी एक्स तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो इसलिए मैंने वो रीजन लिखा है, पर इफ देयर इज नो चेंज इन साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव हो जाए तो वो फिर कभी भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बनेगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, मस्ट है फैक्टर बनाना है, और एक बार आपने ये बना लिया, क्यों बनाने फैक्टर, क्योंकि हमने साइन स्कीम लगानी है, ठीक है, वेवी कर्व मेथड वो अपन ने बना दिया। वंस वी गेट दी साइन तो उसके बाद अपन मैक्सिमा मिनिमा बता सकते हैं। सो वन इज दी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, थ्री इज दी पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब वन और थ्री पर वैल्यू निकाल दीजिए, वन पे माइनस नाइन आएगी फंक्शन की वैल्यू तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसके बाद अपन डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि एफ ऑफ मैक्सिमम जो होगा वो एफ ऑफ वन होगा, वो माइनस नाइन आता है, और f ऑफ मिनिमम जो होगा वो f ऑफ 3 आता है विच इज माइनस 37। तो दीज आर दी आंसर, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। दिस इज ओनली दी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ पे कहीं भी सेकेंड नहीं निकाला। देखिए मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑर्डर बहुत इजी होता है, उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ कि आपने ये जो फंक्शन अभी लिया है ये फंक्शन आपका इजी फंक्शन है, आगे जब आपको मैं फंक्शन दूंगा तो उनका पहले ही डेरिवेटिव निकालने में आपको पसीना आएगा, जब आप उनका सेकंड निकालेंगे तो पसीना और ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप उसी से जाइए, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में जब क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का आता है तो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये पूरी सब्जेक्टिव मेथड
जो मैंने पहले सॉल्यूशन में आपको बताई थी पूरी करनी होती है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव को वैसे आप अप्रोच करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से जाएं, समय कम लगेगा। नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूं, उसको आप ट्राई करिएगा। ये सॉल्यूशन में कोई भी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ लें। क्या बोले बेटा? थोड़ा ग्राफ वाला नहीं समझा। ग्राफ वाला क्या नहीं समझा उसमें? सर आपने मतलब वो डिफरेंशिएट वगैरह सब समझ गया, लेकिन जो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे आपने फाइंड किए वो नहीं समझा। क्या कौन बोला, नाम तो बता भाई। सर ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव, अच्छा तुमने पुराने क्लासेस नहीं किए ना, इसलिए तुमको दिक्कत गया है। ओम प्रकाश देखो, वो जो डिफरेंशिएट करके अपन ने इक्वेशन बनाया 5x² इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ तक समझ गया? हाँ सर वहां तक समझ गया। उसके तीन रूट आएंगे 0, 1, 3, वो भी समझ गया? जीरो वन थ्री को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। अब अपन को साइन लगाने हैं, तो साइन हमेशा अपन एकदम राइट हैंड साइड से शुरू, जो आपका राइट हैंड साइड है ना वहां से शुरू करेंगे। तो तीन से बड़ा कोई भी नंबर आप उस एक्सप्रेशन में डाल के देख लो। जैसे मैं तीन से बड़ा 4 डालूंगा, तो x की जगह पर 4 डालो, f डैश x में 4 डालो। ठीक है, तीन से बड़ा कोई भी नंबर डालना तो आप देखोगे पॉजिटिव आएगा। आप डाल के देख लीजिए, 4 डालोगे x की जगह पर तो ब्रैकेट वाले दोनों टर्म पॉजिटिव आएंगे और बाहर तो पॉजिटिव बन ही रहा है ना। तो तीन से बड़े किसी भी नंबर पे वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने प्लस साइन लगाया। अब आप 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर डाल के देख लीजिए, नेगेटिव आएगा। इसको आप करके देख लेना। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर वहां पे डाल के देखो, जैसे 1/2 डाल लो, 1/3 डाल लो, 1/8 डाल लो, 1/10 डाल लो। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर डालो पॉजिटिव आएगा, और 0 से छोटा कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर ले लो कोई भी, आप डालोगे साइन तो पॉजिटिव आएगा। तो ये साइन आपको इस तरीके से लगाने हैं। जो अपन ने नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 0 से छोटा, 0 1 के बीच में, 1 3 के बीच में और 3 से बड़ा, है ना। तो ये चारों नंबर डाल डाल के आपने देखने, उसके अकॉर्डिंग साइन लगाए जाते हैं हमेशा। यहाँ तक समझा ओम प्रकाश? हाँ सर, सर इतना समझ गया। चलिए, और उसके बाद तो फिर मैंने आपको बताया है, यदि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और यदि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और इफ देयर इज नो चेंज इन साइन, पॉजिटिव से पॉजिटिव में गया या नेगेटिव से नेगेटिव में गया, तो फिर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इतनी बात समझ आए क्या? हाँ सर। चलो तो हो गया, फिर समझ गया सब, है ना। डन सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए सभी लोग, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ साइन एक्स इंटू 1 + cos x। साइन एक्स इंटू 1 + cos x का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताइए। ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए। यू हैव 2 मिनट्स ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हाउ टू सॉल्व दिस। तो दिस इज अवर फंक्शन, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन आपको दिया है, ये साइन एक्स इंटू 1 + cos x, चलो ऐसा ही ले लेते हैं। तो एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो प्रोडक्ट 2 लगा दिया फर्स्ट फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन एक्स और वन प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स आ जाता है. फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जीरो होना चाहिए जिसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया. इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो कॉस एक्स कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन और अपन जो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है उससे इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए तो ये आपको देता है माइनस वन प्लस माइनस थ्री अपॉन फोर. वेन वी टेक पॉजिटिव साइन हियर तो वी गेट वन बाई टू और जब आप माइनस का साइन लोगे तो माइनस वन. तो वी गेट टू वैल्यूज x की दो वैल्यूज आएंगी एक पाई बाई थ्री आती है और एक पाई आती है. तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू पाई बाई थ्री और पाई. अब यदि आप इसके सेकेंड डेरिवेटिव निकालो इसका सेकेंड डेरिवेटिव माइनस साइन और माइनस टू साइन टू एक्स बनेगा जो कि दोनों के दोनों पाई पे जीरो हो जाएंगे. मतलब पाई पे सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आता है इसलिए पॉइंट आपका मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा पाई. तो मैं पाई को छोड़ दिया. बाकी आप पाई बाई थ्री पे सेकेंड डेरिवेटिव इसका चेक कर लो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताएगा. ठीक है तो आप कर लीजिएगा एफ डबल डैश पाई बाई थ्री कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव आएगा. तो सिंस ये आपको सब्जेक्टिव में बताना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव निकालना उसमें पाई बाई थ्री डालना वो आपको बताना पड़ेगा नेगेटिव है तब आप बोल पाओगे देयर फोर एक्स इक्वल्स टू पाई बाई थ्री इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. तो दो वैल्यूज आती हैं बट पाई जो है वो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं होगा क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव पाई पे जीरो हो जा रहा है. तो करेक्ट आंसर इज पाई बाई थ्री. नोट कर लीजिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सर मेरा एकदम सेम आंसर था पर वो समझ नहीं पाया कि कौन सा आंसर देना है कौन सा पॉइंट लिखना था इसलिए सर शायद रॉन्ग हो गया मेरा. हाँ ठीक है तो वही एक थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में तो फिर भी स्टेप मार्किंग होके थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाएगा. ऑब्जेक्टिव में गलत ऑप्शन पे टिक किया तो फिर गलत पूरे मार्क्स छीन लेंगे. सॉरी पूरे मार्क्स में तो कुछ भी नहीं मिलेगा और एक और छीन लेंगे आपसे माइनस वन कर देंगे वहां पर. चलिए तो देख लीजिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी किसी बच्चे मन में. तो कई बच्चे वन माइनस वन ऐसा आंसर कर रहे थे. वन तो कहीं से कहीं तक नहीं आता. हाँ यदि अब आपको इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोला था इसलिए अपन ने पॉइंट निकाला बट इसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो फिर अपन पाई बाई थ्री डाल के उसकी वैल्यू निकाल देते और पाई कहीं से कहीं तक नहीं आएगा क्योंकि पाई पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका जीरो हो जा रहा है. कल्पेश चौधरी पाई कैसे लिखे. कल्पेश लाइन पर आओ जरा. यस सर. पाई कैसे हो गया बेटा. सर वो मैंने वीवी कर्व में वन और माइनस वन और वन बाई टू डाल के किया था. ओके चलिए ठीक है. ओके सो दिस इज दीज आर दी क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस. ठीक है दो क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास में किए लेकिन समय देके किए ताकि आगे जब भी क्वेश्चन आपको और हम डिस्कस करेंगे. अभी एक दिन और अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन इसके डिस्कस करें. मैक्सिमा मिनिमा बड़ा चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो एक पक्का है कि इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा से आता ही है. क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा में अभी अपन ये सिंगल वेरिएबल एक वेरिएबल का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे हैं. यहाँ पर अपन दो वेरिएबल के लिए भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे. ठीक है और उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम बनती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं इंटरेस्टिंग होती हैं काफ़ी अच्छे सवाल उसके बनते हैं.
ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे टफेस्ट पार्ट अब आपके सामने आएगा धीरे से, लेकिन एक दिन और अभी हम इसको डेडिकेट करेंगे सम क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, और फिर हम थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। सो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना, गुड नाइट, बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग। सर इस वीक में क्या आएंगे? इस वीक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट आएगा। ठीक है सर। नहीं अभी आया था क्या ये AOD? हाँ, कल आया था क्या? हाँ सर। तो अभी तो 11th का आएगा ना? हाँ। ओके, 11th में आपने लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री पूरा दे दिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, ठीक है। यस सर। ओके चलिए।